विष्णु जी आ गए गाने में, विष्णु नारायण नारायण। जब जब मनुष्य धर्म का मर्म भूल जाता है तब तब मैं जन्म धारण करता। ओ ऐसा, वाओ। आज फिर अवतार धारण करने का समय उपस्थित हुआ है मेरे Another reaction video. तो हमें वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से बोल देते हैं जय श्री कृष्णा, बिकॉज आज की वीडियो मम्मी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले किशन जी जब पैदा हुए थे, मम्मी कैसे हुए थे पैदा, आज हमें पता चलेगा। वैसे पता है बट वीडियो में देख के में और मजा आता है ना, वीडियो देखने में कि एक्चुअल में क्या सीन हुआ होगा। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी गाइस इफ यू आर न्यू टू चैनल देन नीचे जाके मम्मी इतनी तेज जाकर सब्सक्राइब कर दो। थारा भाई जुगिंदर जाके लाल कलर का बटन होगा उसको बूम करके फोड़ फाड़ दो। साइड में बेल आइकन होगा, बेल आइकन का घंटा बजा दो भाई साहब, ऐसा लगना चाहिए मंदिर में घंटा रख के मार दो। और उसको ऑल पे कर दो, बिकॉज उससे मेरी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी एंड आप मेरी फ्यूचर वीडियो से मेरे से कनेक्टेड रहोगे। ऑल सो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूँ, नीचे जाके कमेंट जरूर कर दिया करो गाइस आपको नेक्स्ट वीडियोस क्या चाहिए, बिकॉज हमें उससे आपके आइडियाज पता चलेंगे। एंड डेफिनेटली गाइस मैं आपको कमेंट करूंगा बिकॉज उससे ना कनेक्शन रहेगा, जो आप बोल रहे हो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, तो हमारी बात होती रहेगी ना, तो एक कनेक्शन रहता है यार कि हमारी सबकी बात हो रही है। गाइस कमेंट सेक्शन दिया ही इसलिए यार, कमेंट कर तो दिया करो। एंड ओके गाइस एंड वेलकम टू माय लैपटॉप। ओ माय गॉड वॉलपेपर कितना बढ़िया है, राधे राधे। ओए ये तो भाई जेल का सीन लग रहा है भाई, कुछ कैदी वैदी है, देखते हैं भाई। अच्छा नहीं ये तो किशन जी की मम्मी पापा ही है, मैं भी सॉरी यार कैदी वैदी बोल रहा हूँ, सॉरी वासुदेव और ये देव की है, सॉरी गाइस मेरे को मैं जो जोश में बोल दिया। तो जल्दी से करते हैं अब इस वीडियो को स्टार्ट। भय धारण करने की आवश्यकता नहीं, यादव श्रेष्ठ वसुदेव देव कन्या देव की आपका कल्याण। हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया था तब मैंने ही वरा अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार, नरसिंह अवतार लेकर मैंने हिरण्यकश्यपु का वध किया, मैंने ही वामन अवतार लेकर राजा बलि को पाताल लोक में स्थापित किया। जब जब मनुष्य धर्म का मर्म भूल जाता है, जब जब उसके हृदय से उत्तम भावों का नाश हो जाता है, प्रेम का स्थान प्रतियोगिता और करुणा का स्थान अहंकार ले लेता है, राजा अपनी ही प्रजा का शोषण करता है, सत्य से अधिक सत्ता का मोह प्रकट हो जाता है, तब तब मैं जन्म धारण करता हूं। आज फिर से अवतार धारण करने का समय उपस्थित हुआ है मेरे समक्ष। आप दोनों अनेक बलिदान दिए हैं धर्म के लिए, आपकी पीड़ाओं को देखकर स्वर्ग में देवता भी शोक से भर गए हैं, किंतु आपके माध्यम से संसार को धर्म और शांति का प्रसाद प्राप्त होगा। मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर आपकी गोद में खेलूंगा माता। ओ ऐसा, वाओ। इस शुभ समय में मैं आपके गर्भ में अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ प्रवेश करूंगा। वाओ यार। सारे संसार को आशीर्वाद देने वाला विष्णु आपके आशीर्वाद की याचना करता है। बातें सुनकर गूज़बम्स आ रहे हैं। मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए माता। डायलॉग एक नंबर डायलॉग यार, मजा सा आ गया सुनके। ओ भाई श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी हे नाथ
यार वाओ कितने छोटे से गोरे से। अच्छा वीडियो हो चुकी है हमारी एंड, मतलब बोन का छोटा सा दिखा दिया है। तो मम्मी मतलब विष्णु जी आए थे वो, उनको आशीर्वाद दे के गई है एंड मैं आपके पेट में जन्म लूंगा, उनको खुद ही बोला था उन्हें। ओ गाइस जितना कष्ट इन्होंने सहा देव की और इन्होंने तो वो। अच्छा ये अभी जेल में शायद कहाँ पे है? जेल में कंस की जेल में। अच्छा कंस ही इनको रखा होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भूल गया सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है, देवकी का भाई था ना। तो ये मम्मी इनकी जेल कहाँ पे थी? ये वृंदावन है क्या? मथुरा है। अच्छा ओके। पर ये आपने देखा जब ये विष्णु जी आए उनसे पहले उनके पेट में तो था ही नहीं था ना आठवां, बट वो उनके अंदर आ गए। बट विष्णु जी उनके अंदर आ गए क्योंकि वो सातों संतानों को मार चुका था। कौन? कंस है। अच्छा जी, क्योंकि कह रहे थे कि आठवां पुत्र को भी मैं खत्म कर दूंगा। ओके ओके। तो जैसे ही बहुत पीड़ा हो रही थी तो कृष्ण जी उनकी वो विष्णु भगवान जो आते हैं वो इनकी हेल्प करते हैं। ओके गाइस, वो उनकी कोख में आ जाते हैं कि मैं कृष्ण जी का रूप धारण करके आऊंगा। तो मतलब मम्मी आप कहना चाहती हूँ अभी जो जेल में ये कंस इनको कैद कराऊंगा। हाँ, कैद और किया। इनका जो ये बच्चा होने वाला था। हाँ, ये इनका 8th बच्चा था। हाँ, आठवां इसी से इनको डर था कंस को। और कंस को इसी डर था। हाँ, अच्छा हाँ ये लेके भाग जाते हैं ना वासुदेव। और मम्मी कृष्ण जी का नाम भी तो है वासुदेव कृष्ण, बोलते हैं कृष्ण जी को। तो वासुदेव उनको ले जाते हैं। जो सीन आता है गाइस आपने शायद सुना होगा, जो पानी के मतलब समुद्र से जाते हैं नदी क्रॉस करके। मतलब मम्मी सो गाइस जो मम्मी अभी सीन बता रही है शायद आप भी इसे एग्री करोगे। अगर नहीं एग्री करते तो कमेंट करके बता देना, मम्मी भी सारे कमेंट पढ़ती हैं। तो मम्मी अभी इस वीडियो के बाद का आप सीन बता रही हो, जो वासुदेव होते हैं जो इनके पापा होते हैं किशन जी के, वो इस सीन के बाद जो वीडियो तो यहीं तक है इसके बाद उनको लेके जाते हैं नदी क्रॉस करके कहां पे? वृंदावन। वाओ यार वाओ गाइस, ये होते थे मैजिक यार उस टाइम पे। मैं तो सोचता हूं उस टाइम पे हमें भी होना चाहिए था उस टाइम में ना, कितना ज्यादा वो कैसा होता वो सीन है ना। बाकी गाइस वासुदेव कृष्ण भी उनको कहते हैं इसीलिए क्योंकि उनके पापा का नाम है वासुदेव एंड उनकी भी मम्मी का नाम क्या है? द्वारकी नहीं देव की, सॉरी द्वारकी नहीं देव की। तो गाइस वीडियो में बहुत अच्छी लगी यार, पूरा सीन मिल जाता तो मजा आ रहा था यार। इसके बाद क्या हुआ था तो मैं डेफिनेटली बहुत सीन भी ढूंढ लूंगा मम्मी एंड उसको मैं डेफिनेटली रिएक्ट करूंगा। हमें ये वाला सीन बहुत ही अच्छा लगा गाइस, किशन जी पैदा हुए, विष्णु जी आए हैं स्पेशली। बाकी करते हैं गाइस जल्दी से इस वीडियो को एंड। आप हमें कमेंट करके बताना आपको ये सीन कैसा लगा एंड आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है जो हमें नहीं पता तो प्लीज बता दें। बाकी हमें वैसे पता तो है थोड़ा बहुत, सो प्लीज आपको मतलब कमेंट सेक्शन फ्री है गाइस, प्लीज कमेंट करेगा हमें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स रीड करना। तो गाइस मिलता हूँ आप सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब मैं क्या हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड विद दैट सेड एज ऑलवेज यू नो इट गाइस, याल्ला योलो बाय। गाइस आप भी बोल दिया करो यार साथ में, याल्ला योलो कर दिया करो। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड करते हैं इस वीडियो को खत्म एंड जय श्री कृष्ण।